Hello learners, welcome to Learn On, Learning is On. IIIT Hyderabad UGEE Exam 2023 के रीप सेक्शन में हमारा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिंग्विस्टिक्स हम आज के वीडियो में कवर करेंगे. ये पूरा कॉन्सेप्ट हम एक वीडियो लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं. आपको एक बात ध्यान में होनी चाहिए कि लिंग्विस्टिक्स में नियरली 5 से 6 सवाल पूछे जाते हैं 2 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स. तो मतलब अपना जो पूरा 100 मार्क का सेक्शन है रीप का, तो उसमें से लगभग 10 to 12 मार्क्स लिंग्विस्टिक्स के होते हैं. और आपको एक अच्छी रैंक लाने के लिए नियरली 60 to 70 मार्क्स कवर करने होते हैं रीप सेक्शन से. अगर आप वहाँ से 60 मार्क के आसपास कवर कर लेते हो और SUPR में जो डिफिकल्टी के परस्पेक्टिव से देखी जाए तो इजी होती है, उसमें अगर आप 35 टू 40 मार्क्स कवर करते हो तो आप नियरली 100 मार्क्स को टच करोगे. 100 मार्क्स मतलब नियरली आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा. और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपका स्कोर रीप में अच्छा है एज कम्पेयर टू SUPR तो आपकी रैंक अच्छी बनेगी और रैंक से ही आपको आगे जाना है. तो किसी भी तरह से हम लिंग्विस्टिक्स के जो सवाल होते हैं उसे स्कीप नहीं कर सकते हैं. इसमें एक छोटी लेक्चर, बहुत ही छोटी वीडियो हम बनाएंगे क्योंकि अलग अलग टाइप के लिंग्विस्टिक्स के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन हमें सिर्फ बेसिक समझ लेना है कि इसमें नहीं अपने को करना क्या होता है. ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जांपल हम कवर करेंगे. 6 से 7 सवाल अगर आ जाते हैं तो मान लिया हम 2 से 3 सवाल भी अच्छी तरह से कर लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है. 2 घंटे के पेपर में अगर आप 15 से 20 मिनट लिंग्विस्टिक्स के प्रॉब्लम्स में ही अगर खर्च कर देते हो तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते हम. उससे ज़्यादा हमने जो पहले लेक्चर्स किए थे उसे अच्छी तरह से कीजिए. हाँ, लेकिन हाँ, अगर आप इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हो जाते हो तो आप लिंग्विस्टिक्स की थोड़ी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करके जाएं. ठीक है, हम उसके बारे में आफ्टर एग्जाम एंड आफ्टर रिजल्ट नए कुछ वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लिंग्विस्टिक्स पे और ज़्यादा डिस्कशन करेंगे. अब एक्चुअली लिंग्विस्टिक्स होता क्या है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को. लिंग्विस्टिक्स एक्चुअली होता क्या है, तो लिंग्विस्टिक्स में हम देखते हैं कि हमें किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को दिया होता है और उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में हमें इंग्लिश के वर्ड्स ट्रांसफर करने होते हैं लैंग्वेज से इंग्लिश में और वाइस वर्सा. ठीक है, तो इसलिए एक टाइप का कोडिंग डिकोडिंग ही यहाँ होता है. तो उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में इंग्लिश के कौन से वर्ड को हम क्या कह सकते हैं वो हमें थोड़ा एनालाइज करके देखना पड़ता है. जो पूरे स्टेटमेंट्स दिए होते हैं, टेबल दिया होता है, क्योंकि पैराग्राफ दिया होता है, वर्ड्स या सेंटेंसेस दिए होते हैं, तो उसे एनालाइज करना होता है. तो थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है, डिफिकल्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के हिसाब से. ऐसे डिफिकल्ट ये नहीं होता है. तो हम एक छोटा सा एग्जाम्पल आज करेंगे, एक ही एग्जाम्पल करेंगे लेकिन आपको अच्छी आइडिया आ जाएगी. हम कल से जो PYQ सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं उसमें हम इसके भी सवाल कुछ करके देखेंगे. ठीक है, अलग अलग टाइप के सवाल हम कवर करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं लिंग्विस्टिक्स का लेक्चर. मेरा नाम है अतुल, आपका UGEE मेंटर, और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. बस इस एक स्लाइड में हम पूरा वीडियो कवर कर देंगे. मैं आगे कुछ कहूँ इससे पहले आपको ये क्वेश्चन अब अच्छी तरह से पढ़ लेना है. ओके, अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है. द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ वर्ड्स इज फ्रॉम द सेंट्रल, देखिए सेंटर का गया है एक्टा लैंग्वेज. अब इसे आप जिस तरह से प्रोनाउंस कर सकते हो कीजिए. आप इसे कैगायन एक्टा लैंग्वेज, एक लैंग्वेज का नाम दिया है, स्पोकन बाय अबाउट 600 पीपल इन द फिलीपींस. तो फिलीपींस के जो आइलैंड्स है उसमें नियरली 600 पीपल ये लैंग्वेज बोलते हैं सेंट्रल कागायन एक्टा. तो इस लैंग्वेज से हमें कुछ वर्ड्स यहाँ पे दिए हैं. ठीक है, तो ये वर्ड्स आपको अच्छी तरह से देखने हैं और इनको देखते हुए हमें नाउ ट्रांसलेट द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू सेंट्रल कागायन एक्टा लैंग्वेज. सो ये जो इंग्लिश के 4 वर्ड्स है इसे हमें इसके साथ कंपेयर करते हुए सॉल्व करना है. मुझे लगता है अभी एक्चुअली क्वेश्चन में क्या करना है तो आपको समझ में आ गया होगा. तो देखिए क्या करना था, हमें कुछ भी नहीं करना था. ये इस लैंग्वेज में कुछ हमें सेंटेंसेस दिए, नियरली 11 सेंटेंस है, इसे अच्छी तरह से हमें डिकोड करना पड़ेगा
और फिर इन इंग्लिश वर्ड्स को इस लैंग्वेज में हम क्या लिख सकते हैं ये देखना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। छोटी छोटी बातें होती है वो आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, इस एक सवाल से भी आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी लिंग्विस्टिक्स के प्रॉब्लम्स में। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है। तो फर्स्ट है वर क्रिक, वर क्रिक, ये कुछ वर्ड्स है। अब देखिए बाला, देखिए बालाबा हुई, ये है लिटिल पिग, बालाबा हुई लिटिल पिग। देखिए तो लिटिल पिग ये जो हमारा इंग्लिश वर्ड है इसे हम बालाबा हुई इस लैंग्वेज में देख सकते हैं। फिर है टालो बैग बिटल। अब ये जो बिटल वर्ड है इंग्लिश का इसे हम यहां पे टैलो बैग कह रहे हैं। फिर है देखिए बैक बैकट। अब बैक बैकट ये जो वर्ड है वो इंग्लिश के ग्रैनी, इस वर्ड्स का एनोलॉजी है। तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रैनी के लिए बैक बैकट ये वर्ड है, लिटिल मंकी के लिए पाला पिरक, पाला पिरक। अब जैसे प्रोनाउंस कर सकते हो कीजिए, इसे किस तरह से पढ़ते हैं ये हमसे कोई नहीं पूछेगा क्योंकि हमारी लैंग्वेज नहीं है, लेकिन हमें डिकोड करना है। फिर है देखिए बाहुई, इसे इसका मतलब है पिग। अब आपको कुछ छोटी छोटी बातें भी यहां पे देखनी है। कुछ छोटी छोटी बातें भी हमें यहां पे देखनी पड़ेगी। जैसे हम देख सकते हैं किस वर्ड को क्या कहा गया है। जैसे यहां बाहुई, बाहुई जो है यहां लिटिल पिग है। पहले सब पढ़ लेते हैं हम। देखिए बक बैकेट या बक बकत, इसे हम ग्रैनी कहेंगे। पाला पिरक ये लिटिल मनी के लिए यूज किया है। बाहुई को पिग इस वर्ड के लिए यूज किया है। ये जो बैग है, बैग को हम लॉइन क्लोथ इस तरह से हमें दिया है। फिर है वालावर, वालावर को लिटिल क्रिक कहा गया है। अब ये जो क्रिक है ये भी हम इसे देखेंगे। अब है बालाबा, लिटिल लॉइन क्लोथ को कहा गया है। देखिए ये सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, हम अभी सबको पढ़ेंगे फिर इसे डिकोड करेंगे और इसका इसके साथ रिलेशन निकालते हुए आंसर निकालेंगे। बस इतना ही हमें काम करना है, हमें ज्यादा कुछ यहाँ मेहनत नहीं करनी है। फिर है बालाबग लिटिल लॉइन क्लोथ के लिए है। फिर है टक्की, टक्की लेग के लिए यूज किया है। और फिर है लैबंग, लैबंग को पैच के लिए यूज किया है। अब यहां जो वर्ड्स हैं हमें यहां पे भी दिखते हैं, हमें सिर्फ इन वर्ड्स को इन सब के साथ डिकोड करते हुए खुद से बनाना है। चलिए करके देखते हैं। अब आराम से देखिए यहां पे हमें लिखा है लिटिल लेग, लिटिल लेग। अब देखिए क्या क्या होता है। अब लिटिल वर्ड कहां कहां पे है, एक मिनट, लिटिल वर्ड कहां कहां पे है। देखिए लिटिल आपको यहां पे एक मिलेगा। अब ये जो है पिग वर्ड है, पिग और कहां है, यहां पे है। अब लिटिल के लिए हमें यहां क्या वर्ड दिया है, बाहुई। देखिए पिग के लिए बाहुई वर्ड दिया है। अगर आप इसके साथ कनेक्ट करते हो तो आपको बाहुई यहां पे भी दिखता है। इसका मतलब है कि ये जो बी ए एच यू वाई है ये पिग के लिए यूज हुआ है, ठीक है, पिग के लिए यूज हुआ है। मतलब ये जो पार्ट हमें दिखता है यहां पे बी ए एल ए, ये है बाला, बाला हम लिटिल के लिए भी यूज कर रहे हैं। अब आराम से देखिए क्या क्या होता है। उसके बाद हमें देखना है लिटिल। अब लिटिल के लिए कौन कौन आया है, बाला एक आया है। जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से हम देखेंगे, बाला आया है और लिटिल कहां है, यहां पे देखिए लिटिल। फिर एक लिटिल है, उसके साथ है मनी, ठीक है। अब लिटिल और मनी है, अब नीचे कहीं पे मनी वर्ड है क्या, ये भी हमें देखना पड़ेगा। अब मनी यहां पे कहीं पे भी नहीं दिया है लेकिन लिटिल है। अब देखिए ये जो मनी है, लिटिल मनी, ये दो पार्ट्स में है, तो हमें भी यहां पे पाला पिरक ऐसे दो पार्ट्स देखने पड़ेंगे। तो ये पाला और ये पिरक, इसका मतलब है जो मनी है, मनी है, मनी के लिए वर्ड आया है पिरक, ठीक है, ये भी हम देख लेंगे। उसके बाद
बाहुई ट्रिक के लिए आया है। अब लिटल के लिए हमारे पास दो वर्ड आए हैं, हम एक काम करते हैं लिटल के लिए अलग से वर्ड यहां पे लिख लेते हैं। देखिए लिटल, लिटल के लिए क्या क्या वर्ड्स आए थे। लिटल के लिए फर्स्ट वर्ड आया था यहां पे बाला, ठीक है बाला आया था। उसके बाद लिटल के लिए पाला भी आया है, बाला के साथ यहां पाला भी आया है। और लिटल है, यस है, देखिए ये है लिटल और यहां है क्रिक, और क्रिक कहां है, ऊपर है। क्रिक के लिए कौन सा वर्ड था, वर। अब देखिए क्रिक, क्रिक के लिए यहां भी आपको वर दिखता है, तो क्लियर है कि वर, ये जो वर्ड है वो क्रिक के लिए यूज किया है। देखिए डिकोडिंग है पूरा, दूसरा कुछ भी नहीं। फिर लिटल के लिए हमें और एक नया वर्ड मिलता है, वाला। अब यही इस क्वेश्चन की खासियत है, वाला। फिर है लॉइन क्लोथ। अब लॉइन क्लोथ के लिए यहां बैग वर्ड है, देखिए लॉइन क्लोथ के लिए बैग वर्ड है और यहां पे लॉइन क्लोथ के लिए हमें बैग दिखता है, तो इसका मतलब है बैग का मतलब है लॉइन क्लोथ। देखिए मैं आपको एक एक वर्ड पूरा डिकोड करके बता रहा हूं, इतना अच्छी तरह से समझ लीजिए, आप आराम से इसे कर सकते हो। अब देखिए लॉइन क्लोथ के बाद यहां टक्की, लेग के लिए टक्की आया है, और कहीं लेग है क्या, अब कहीं भी लेग नहीं है, ठीक है। हम देख सकते हैं कि जो टक्की वर्ड है, टक्की, ये आया है लेग के लिए, ठीक है लेग के लिए, ओके। अब है लैबंग, लैबंग है पैच के लिए, और कहीं भी लैबंग वर्ड नहीं है, तो ये जो लैबंग है ये किसे रिप्रेजेंट करता है, पैच, इस वर्ड को। अब हमारे पास लिटल के लिए और एक वर्ड आता है, देखिए लिटल, लिटल और इधर आया है बाला, तो देखिए बाला हमने लिया था यहां पे, फिर पाला भी है लिटल के लिए, पाला, वाला भी लिटल के लिए है यहां पे, वाला, ठीक है। तो इतने वर्ड्स है, तो आप देख रहे हो कि लिटल के लिए बाला, पाला, वाला, उस वर्ड्स को फर्स्ट जो लेटर है उसे चेंज करते हुए आ रहा है, बी था फिर पी आ गया फिर डब्ल्यू आ गया, तो अब हमें इसी हिसाब से डिकोड करना है। देखिए हमने सब वर्ड्स को डिकोड कर लिया है, देख सकते हो वर है क्रिक के लिए, वर है क्रिक के लिए, लिटल के लिए बाला, लिटल के लिए पाला, लिटल के लिए वाला, बाला पाला वाला, वेरी गुड। फिर हमने देखा था बिटल, बिटल रह गया शायद, यस बिटल के लिए, नो बिटल का वर्ड आगे होगा। अब देखिए बैग यहां लॉइन क्लोथ भी है और बिटल यहां बैग भी है, ठीक है, तो पूरा जो बिटल वर्ड है उसे एक ही नाम दिया है, टैलो बैग। सिर्फ बैग लॉइन क्लोथ है, एक वर्ड इस फिलीपींस की लैंग्वेज में है और एक वर्ड इंग्लिश में है, तो इनका मतलब ये है कि ये जो टैलो बैग वर्ड है वो किसके लिए आया है, बिटल के लिए, बिटल के लिए आया है, ठीक है हम इसे बिटल लिख लेते हैं। और डिकोडिंग रह गया ग्रैनी, अब ये भी देखना है ग्रैनी क्या है, बक बकत, यहां पे कहीं भी ग्रैनी नहीं पूछा है, चलो उसका कोई हमें काम नहीं पड़ेगा यहाँ पे। मनी, मनी के लिए पिरक वर्ड है, ओके हमने लिख लिया यहाँ पे। अब ये सब डिकोड होने के बाद अब हमें देखना है लिटल लेग। अब लेग, लेग के लिए हमारे पास क्या वर्ड था, अब हम आंसर को यहाँ पे डिकोड करेंगे। लेग के लिए टकी वर्ड था, लेकिन लेग के लिए दूसरा कोई भी वर्ड इस लैंग्वेज में नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लेग का मीनिंग है, लेग ये सेकंड है, ये है टकी, ठीक है टकी। अब देखिए लिटल के लिए हमारे पास कौन सा वर्ड आना चाहिए, ये तो तीन है, ये तीन वर्ड है, तो आपको एक छोटा सा चेंज करना है बस इस क्वेश्चन में, यही एक प्रॉब्लम है जो आपको क्या कर सकता है, कंफ्यूज कर सकता है। जैसे लेग के लिए टकी फिक्स है, अब लिटल के लिए क्या है, बाला पाला वाला, तो तीनों में से कोई एक ही यहां पे आएगा। आप देख रहे हो कि इन सभी वर्ड्स में सिर्फ जो फर्स्ट लेटर हुए वो चेंज हो रहा है, तो अब हमें
मतलब यहाँ पे कुछ अलग वर्ड लेना पड़ेगा लिटल के लिए जो आला जैसा ही है, बाला पाला वाला। अब कौन सा लेंगे? तो एक काम करेंगे, इसमें डिकोड ये करना है कि इधर फर्स्ट लेटर कौन सा है टकी का, टी है, तो यहां हम तो वाला लिखेंगे ही, ठीक है, लेकिन इसके साथ ये टी हम यहां पे रख देंगे, ठीक है, ये टी रख देंगे और ये हो जाएगा ट्वाला टकी, क्योंकि लिटल के लिए उतने ही वर्ड है। देखिए पाला भी था तो ट्वाला टकी, ये हमारा इसका आंसर है, क्लियर। अब है मनी, मनी के लिए कौन सा वर्ड है? मनी हमने लिख लिया था शायद, यहाँ पे नहीं लिखा है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, मनी के लिए पीरक वर्ड है। अब दूसरी तरफ कहीं भी मनी वर्ड नहीं है या पीरक भी नहीं है, ऑब्वियसली क्लियरली हम देख सकते हैं कि मनी के लिए यहाँ पे आएगा पीरक। अब लिटल बिटल वही खेल है, बिटल बिटल के लिए क्या है? टैलो बैग, ठीक है, टैलो बैग। एक काम करेंगे, वाला, एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा बेटा, ये वाला का डब्ल्यू निकलेगा, फर्स्ट लेटर निकलेगा। हम एक काम करते हैं, हम इसको एक बार कंप्लीट कर लेते हैं, वो डब्ल्यू नहीं आएगा, मैं आपको एक बार इसे फिर से बता देता हूं। ठीक है, चलिए हम इसे एक काम करते हैं, यहां पे दूसरे कलर से देख लेते हैं। लेग का तो फिक्स है, लेग के लिए क्या था? लेग के लिए देखिए, लेग 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 टकी है, तो यहां पे हम टकी लिख देंगे, ये तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। हमने यहां पे आला फिक्स है, सिर्फ फर्स्ट लेटर हमें चेंज करना था, आला, तो आला यहां पे लिखेंगे और यहां पे ये फर्स्ट लेटर टी रख देंगे, तो आला नहीं होगा ताला होगा, तो ताला टकी, इसमें ताला वर्ड है लिटल के लिए और लेग है टकी के लिए, क्लियर। तो ताला टकी होगा, ट्वाला नहीं होगा, माय मिस्टेक, ताला टकी। मनी के लिए क्या है? ऑब्वियसली मनी के लिए एक ही वर्ड है, यहां पे हम कनेक्ट कर सकते हैं पिरक, तो यहां पे हम लिखेंगे पिरक। अब लिटल बिटल, बिटल बिटल के लिए कौन सा वर्ड है? टैलो बैग। अब बिटल तो एक ही वर्ड है, यहां पे एक है, तो यहां पे ऑब्वियसली बिटल के लिए तो आएगा टैलो बैग, टैलो बैग। अब लिटल के लिए क्या आएगा? वही बात, बाला पाला वाला। अब बिटल के लिए यहां पे कौन है? बी है फर्स्ट लेटर, टकी का कौन है? टी है, देखिए ताला बैग, तो हम इसे यहां फिर लिखेंगे ताला, ताला टालो बैग, ताला टालो बैग। हमें क्या करना है? सिर्फ यहां का फर्स्ट लेटर उठा के यहां आला में चेंज कर देना है बस। अब लिटिल पैच, पैच पैच के लिए कौन सा वर्ड है? लैबंग, देखिए लैबंग, तो पैच के लिए लैबंग है, तो यहां पे हम लैबंग लिख देंगे। अब हमें देखना है लिटल के लिए कौन है? पाला पाला वाला, तो यहां लैबलम का जो फर्स्ट लेटर है वो हम लेंगे, यहां पे बनेगा लाला लगन, ओके। तो ए तो लिटल के लिए चेंज होगा ही नहीं, तो इस तरह से लिटिल लेग बनेगा टाला टकी, मनी बनेगा पिरक, लिटिल बिटल बनेगा टाला टालो बैग, और लिटिल पैज बनेगा लाला लबन। एक बार अच्छी तरह से वीडियो पॉज करके देख लीजिए, ओके। तो इस तरह से हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल करते हुए देख लिया है कि एक लैंग्वेज में इंग्लिश के लिए क्या कर सकते हैं। थोड़ा सा कोडिंग डिकोडिंग है, आपको देखना पड़ेगा एक लेटर के लिए अलग अलग क्या कॉम्बिनेशन बनते हैं, यहाँ कितने लेटर्स हैं, एक के लिए एक है, यहाँ दो के लिए दो है, फिर एक के लिए एक है, फिर दो, यहाँ एक बड़ा वर्ड है, देखिए बकबकत, ग्रैनी। अगर मैं आपको यही वर्ड दे दूँ तो आप खुद से मुझे बताने की कोशिश कीजिए कि इस लैंग्वेज में, हम खुद से एक सवाल करेंगे, अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए लिटिल ग्रैनी को हम कैसे डिकोड करेंगे इस लैंग्वेज में, उसे ट्राई कीजिए, सिंपल। अब ग्रैनी, ग्रैनी के लिए कौन सा वर्ड है? बकत, हम लिखेंगे यहां पे बकत, ठीक है, बकत, ओके।
अब क्या देखना था सिर्फ लिटल के लिए, तो ये तीन है बाला पाला वाला। तो लिटल में बकत का जो ये फर्स्ट लेटर है बी है, तो हम यहां पे लिखेंगे बाला। ठीक है, बाला ऑलरेडी है भी यहां पे, तो बाला बक बकत ये बनेगा लिटल ग्रैंड। क्लियर? आप खुद से भी अलग अलग ऐसे सवाल क्रिएट कर सकते हो, किसी सेंटेंस को यहां पे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से ये लिंग्विस्टिक्स का एक छोटा सा प्रॉब्लम हमने किया है। हम पीवाईक्यू सीरीज में इसे और कवर करेंगे, कुछ अलग एग्जांपल लेंगे। इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स वाले कॉन्सेप्ट आते हैं, मैच वाले आते हैं, किसी सेंटेंस वाले आते हैं, हम सब करके देखेंगे। लेकिन सब का जो प्रोसेस है सॉल्व करने का वो यही है। तो ये वीडियो दो बार देखिए, खुद से ट्राई कीजिए, समझ लीजिए, और लिंग्विस्टिक्स में 2 से 3 सवाल आपको करने हैं टू सेव योर टाइम। 2 से 3 सवाल यानी आप जो 12 से 14 मार्क्स के जो आपसे पूछे जाएंगे, तो आपको वहां से 6 to 8 मार्क आराम से लेके आने हैं। ये इतना ही टारगेट आप रखिए, ये टॉपिक को ज़्यादा हाइप पे ना ले जाए, नहीं तो आपके बाकी के टॉपिक बिगड़ सकते हैं। आई होप आज हमने ये दूसरा लेक्चर यहाँ पे लिया है। इससे पहले आज ही हमने टाइम एंड वर्क का लेक्चर किया था, उसे एक बार पूरा देख लीजिए, बहुत बढ़िया लेक्चर है, उससे आपके सारे सवाल बन जाएंगे। और ये भी अच्छी तरह देख लीजिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आने वाले हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के कुछ खास सवाल, जो SPR और रीट दोनों में भी पूछे जा सकते हैं। और एक सवाल आता है जो आपको गारंटी मार्क देगा, वो LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स का, उसका वीडियो हम कल बनाएंगे। तब तक इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। टिल देन हैप्पी लर्निंग विद लर्न ऑन, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।